मैं कॉल बैक करता हूँ भाई। अमेज़न कहीं जा रहे हैं आप लोग? साउथ की शादी की शॉपिंग के लिए। साउथ की शादी? क्या मतलब? कब? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? आज सुबह ही डेट फिक्स हुई है, 10 तारीख को शादी है। अरे मुझे बता दीजिएगा जो भी इंतजाम वगैरह करने हैं, मैं होटल बुकिंग वगैरह करवा देता हूँ, ठीक है? बस आके बात करेंगे। ठीक। क्या सारा नहीं जा रहे आपके साथ? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे ही रहे। चलो फर्क आज। तुम्हारी खामोशी की वजह जानता हूं मैं। अगर आज फैक्ट्री में ज्यादा काम ना होता तो मैं तुम्हें खुद शॉपिंग पे ले जाता। साउथ की शादी में बहुत कम वक्त रह गया है, पता है ना आपको, और सारी तैयारियां रह गई हैं मेरी। ये तो है, कुछ करता हूं मैं, ले जाऊंगा। मुबारक हो दुला साहब। अरे हाथ में लाके नहीं, गले मिलकर मुबारकबाद दो भाई से। मुबारक हो मेरा भाई दुला बनने जा रहा है। थैंक यू फवाद भाई। तुम्हारे शादी के सारे इंतजाम मैं खुद करूंगा, बल्कि तुम्हारे शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करूंगा मैं। खुदा के लिए तीसरी बार दुला मत बन जाइएगा। चार की इजाजत होती है ना, अभी दो बाकी है, क्यों सारा करके दिखाएं आप। भाभी की तो एक से ही बस हो गई है। अरसे के बाद हमसे क्यों चहक रहे हैं? वजह आपके सामने खड़ी है। अच्छा जी, आप है वजह। सुनो मेरा काम कर दो यार जी। आज सारा कुछ शॉपिंग भी ले जाओगे प्लीज? छोड़ भाई ना। फवाद वो दुल्हा है, वो अपने काम करेगा कि? देखो दुल्हा है तो उसे भी शादी के काम करने चाहिए ना, उसी की शादी है। अच्छा देखो तुम प्लीज उसके साथ चले जाओ, जरूरी शॉपिंग कर लो, बाकी मैं खुद करवा दूंगा। अगर तुम इस तरह उदास घर पे रहोगी तो मैं ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सॉरी साउद, मैं इट्स ओके। ठीक, मैं जा रहा हूं ऑफिस। बाय भाभी। 10 मिनट आपके पास मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूं। आई एम सॉरी साउद, मैं आती हूं। थैंक यू। इट्स ओके, जल्दी पहुंचना बस। वाओ अम्मा जान, इनके पास तो एक से बढ़के एक सेट है। मैं हमेशा इधर ही आती हूं, यहां की क्वालिटी और डिजाइंस बहुत ही आला। अच्छा, लेकिन सारा तो मुझे यहाँ कभी भी लेकर नहीं आई। पहले भी बस हल्का सा सेट दिलवा दिया था, लेकिन यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे सेट्स हैं। तुम्हें पसंद है? जी, ये वाला हिना के लिए ले लेते हैं। हिना के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन क्यों? क्यों, तुम भी तो मेरी बहू हो। जी लेकिन अगर और भी कुछ पसंद है तो मुझे बताओ। ये कड़े भी अच्छे हैं ना? नहीं नहीं अम्मा जान, थैंक यू। इन्हें पैक कर दीजिए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम बेटा। अम्मा जान ये ले लें हिना के लिए सेट। हाँ हाँ, और बाकी भी जो चीजें हमने पैक करवाई हैं। जी ठीक है। अभी वैसे अच्छा नहीं हो गया, अभी तो शॉपिंग का मौका मिल गया। क्यों? मैं चाह रहा हूँ हिना के लिए जो शादी का गिफ्ट लेना है वो आपकी चॉइस का हो। तुम्हारी खुद भी बहुत अच्छी चॉइस है सऊद। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन आपकी चॉइस मेरे से भी बेहतर है, तो मैं चाह रहा हूँ जरा कोई यूनिक सी चीज लें उसके लिए। क्या लेना चाहते हो? समथिंग स्पेशल, यूनिक एंड डिफरेंट। वो तो तुम खुद हो, तुम्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता। तुम तो फिर अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे हैं? मेरे को ठीक ठाक। कितना अजीब इत्तेफाक हो गया है। बहुत अच्छा हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा इत्तेफाक हो गया। अभी हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने आए हुए थे, आओ ना, अपनी मर्जी से कुछ चूज कर लो। हाँ हाँ चले। अच्छा सारा नहीं आई? नजर नहीं आ रही। उसकी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा अच्छा। अब तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस भी देख रहे हैं, आओ पहले वही देख लेते हैं। चलते नहीं, आप लोग खुद ले लें,
एक्चुअली सऊद चाहते हैं कि मैं आप लोगों की चॉइस का पहनूं, तो अच्छा ठीक है फिर हम लोग चलते हैं। ओके आप लोग शॉपिंग कीजिए, हमने तो बस इसे कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही बस। अरे ये तो सारा है। अस्सलाम वालेकुम। सारा तुम्हारी तो तबीयत ठीक है? अम्मा जान वो सऊद अम्मा जान फवाद भाई ने कहा था कि भाभी को शॉपिंग करवा दो, इसलिए बस फिर हम आ गए। मामा प्लीज चलें यहाँ से, इन लोगों को शॉपिंग करनी हो, चलें। अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोग शॉपिंग करो। अच्छा जी खुदा हाफिज़। अच्छा अच्छा बेटा खुदा हाफिज़। ऐसी कौन सी इमरजेंसी होगी, घर आने का इंतजार नहीं कर सकते? फवाद भाई ने कहा था। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना कि मैं फरवा को शॉपिंग के लिए लाया? सारा इतनी हसद अच्छी नहीं होती। अम्मा जान ऐसी कोई बात नहीं है, फवाद भाई बिजी थे तो उन्होंने कहा था कि भाभी को शॉपिंग पे ले जाओ। ठीक है तो करो शॉपिंग।